नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ईमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईमेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइलों को भेजा जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, ईमेल के माध्यम से हम मैक्सिमम 25 MB तक की फाइलों को भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अवांछित ईमेल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे ईमेल जो किसी काम के नहीं होते, उन ईमेल्स को क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल या फिर कमर्शियली विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, कंपनियों के द्वारा जो अपने किसी प्रोडक्ट के प्रचार के लिए जो मैसेज भेजे जाते हैं, ईमेल भेजे जाते हैं, वो भी आपके अवांछित होते हैं, और जो किसी काम के नहीं होते वो भी अवांछित होते हैं, और इस तरह के जो ईमेल होते हैं उनको हम जंक मेल भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न है, ईमेल केस सेंसिटिव होते हैं, तो यहां पर आपको सत्य और असत्य बताना है कि क्या जो ईमेल आईडी होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है या फिर नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपने जो है ईमेल आईडी बनाई abc@gmail.com, तो अगली बार मान लो आपको किसी को बता दिया फोन पे कि मुझे जो है ईमेल कर दीजिए इस आईडी पर, अगर सामने वाला जो है कैपिटल लेटर्स में इसको लिखता है कुछ इस तरह से abc@gmail.com, तो भी जो आपके पास ईमेल आएगा। अगर वो इस तरह से लिख देता है पूरा का पूरा आपका यूजर नेम और सर्वर नेम पूरा का पूरा कैपिटल में लिखता है abc@gmail.com, तो भी जो है आपके पास ईमेल पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ईमेल आईडी को कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है, ये बात असत्य है। इसके अलावा जो आपका पासवर्ड होता है, जो भी आपका पासवर्ड जो है ईमेल आईडी का, गूगल जीमेल आईडी का, जो भी आपका पासवर्ड होता है वो क्या होते हैं, वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आपने अगर कैपिटल अक्षर में पासवर्ड लिखा है तो कैपिटल में ही डालने पर आपकी आईडी खुलेगी। चौथा प्रश्न है, गलती से डिलीट हुए मेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं, यहां पर भी आपको सत्य और असत्य बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपसे कोई ईमेल जो है डिलीट हो जाता है, या फिर आप खुद से डिलीट कर दें, या फिर गलती से डिलीट हो जाता है, तो जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट होती है तो वो कहाँ पर जाती है, आपकी रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। लेकिन वहीं अगर आपके ईमेल के अंदर कोई फाइल आपसे डिलीट हो जाती है, कोई ईमेल डिलीट हो जाता है, उसको वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें जो आपके दो कंडीशन होती है, पहली होती है कि जब भी आप उसको डिलीट करते हैं तो तुरंत आपको एक ऑप्शन मिलता है अंडू का, अगर उस पर क्लिक कर देते हैं आपको कुछ टाइम के लिए, उसकी टाइम लिमिट होती है 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक, उसकी अगर 5 से 30 सेकंड के बीच में आप उस पर क्लिक कर देते हो तो वापस जा आपका ईमेल आ जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है ट्रैश का, ये भी जो है एक तरह का रिसाइकल बिन होता है, जो अब की आपकी जीमेल में या फिर आउटलुक में आपको देखने को मिलता है। पांचवा प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल जो है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, ई और मेल। तो ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल यानी कि मेल, और इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पत्र यानी कि विद्युतीय पत्र, जो कि इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से भेजा जाता है। छठा प्रश्न है, ईमेल क्या है? ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की एक तकनीक, यानी कि इंटरनेट पर दो डिवाइसेस के बीच में जो आपके मैसेज होते हैं, जो भी आपकी जानकारी होती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उससे हम जो है ईमेल बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए ही सही है। सातवां प्रश्न है, ईमेल के लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती हैं? तो जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है, पहली आपके पास जो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, दूसरा आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल या फिर कोई लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कंप्यूटर और इंटरनेट का आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। आठवां प्रश्न है, ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है, यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप कहाँ से बना सकते हैं, कौन आपको जो है सुविधा देता है कि आप वहां पर जाकर के अपनी एक अलग से ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे कि जीमेल की ईमेल आईडी अलग होती है, याहू की ईमेल आईडी अलग होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट पर जो आपको सर्विस प्रदान करते हैं ईमेल भेजने की, वो क्या करते हैं, वो आपको एक ईमेल की आईडी देते हैं। नौवां प्रश्न है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है, यानी कि प्रेषक का मतलब है ईमेल भेजने वाला। मान लीजिए मैं किसी को ईमेल भेजता हूं और वो जो मेरा मेल है वो वापस आ जाता है, सामने वाले के पास नहीं पहुंचता है, तो उस स्थिति में वो जो मेल है वो क्या कहलाएगा? तो वो जो मेल होगा उसे हम बाउंस मेल कहेंगे, यानी कि वो बाउंस हो गया है। जैसे आपका जो
बैंक के जो चेक होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि चेक बाउंस हो गए, यानी कि किसी ने दोस्तों चेक दिया तो था लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, पैसे मिले ही नहीं, तो वो चेक जो है बाउंस कर दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह आपका मेल भी होता है। मेल न पहुंचने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला, सामने वाले की जो आपने जीमेल आईडी डाली, ईमेल आईडी जो आपने इनपुट की थी वो गलत हो सकती है। दूसरा, सामने वाले का जो ईमेल इनबॉक्स है, यानी कि उसके पास जितने भी मेल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसका इनबॉक्स भर चुका है और ज्यादा मेल वो नहीं ले सकता, स्टोर नहीं कर पाता, तो इस स्थिति में भी जो है मेल सामने वाले के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वो जो मेल है वो आपका बाउंस हो जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता सही स्वरूप है, यानी कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसको सही तरीके से लिखने का तरीका कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, पहले आपका यूजर नेम होगा, उसके बाद आपका @ जो स्पेशल सिंबल होता है, और उसके बाद वेबसाइट का नाम या फिर सर्वर का नाम जो आपको जीमेल की सर्विस या फिर ईमेल की जो आपकी सर्विस है वो प्रोवाइड करने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc@ जो है gmail.com, इस तरह से जो मैं अपना ईमेल लिख सकता हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ईबुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ईबुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये ईबुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, जहाँ पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000+ क्वेश्चन जो की पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ईबुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ईबुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल का एक फायदा है, तो ईमेल के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, वांछित लंबाई, यानी कि हम जितनी चाहे उतनी दूर तक जो है ईमेल को भेज सकते हैं, चाहे भारत से US, भारत से चीन, भारत से नेपाल, कहीं पर भी हम जो है ईमेल को भेज सकते हैं। दूसरा, संचार में आसानी, बड़ी आसानी से इसको भेजा जा सकता है, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। ऑप्शन सी, कम लागत, तो इंटरनेट पर आप सभी जानते हैं कि कितना खर्च आता है ईमेल भेजने के लिए, तो ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि ये सभी फायदे होते हैं जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं या फिर ईमेल की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। 12वां प्रश्न है, SMTP का पूरा नाम क्या है, तो SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस में ईमेल के प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है जिसमें आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, तो उनमें ईमेल की सुविधा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका MS आउटलुक होता है वो आपको जो है ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस कितने भागों में बटा हुआ होता है, तो जो आपकी ईमेल आईडी होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है, क्योंकि जो आपका @ सिंबल होता है वो आपकी ईमेल आईडी को दो अलग अलग भागों में बांटता है, पहला आपका यूजर नेम, दूसरा होता है सर्वर नेम। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और सर्वर नाम को अलग करने के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि यूजर नेम और सर्वर नाम को अलग करने के लिए @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो सामने वाले मुख्य व्यक्ति की जो ईमेल आईडी होती है वो हमें किस फील्ड में लिखनी होती है, यानी कि सिंपल तरीका इसे यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है कि मान लीजिए किसी एक ही पर्सन को आपको ईमेल भेजना है, तो आप सामने वाले की जो ईमेल आईडी है वो कहाँ पर लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे टू फील्ड के अंदर। आप जीमेल में कई बार देखा होगा, जब भी आप सामने वाले को ईमेल भेजते हैं तो प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं और क्या होता है, आपको टू का ऑप्शन मिलता है, टू में लिखते हैं आप सामने वाले की ईमेल आईडी जिसके पास आपको ईमेल भेजना होता है। इसके अलावा ईमेल भेजते समय आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, CC और BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, ईमेल के साथ जुड़ी फाइल जो मैसेज के साथ में भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आप सामने वाले को ईमेल भेज रहे हैं, तो ईमेल भेजते समय एक तो आप जो टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट के साथ में अलग कोई ऑडियो, वीडियो, कोई इमेज, कुछ भी फाइल आप सामने वाले को भेजना चाहते हैं, तो वो आप अटैचमेंट पर क्लिक करके उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब भी कोई ईमेल हमें प्राप्त होता है तो सबसे पहले वह किस फोल्डर में आता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, जब भी आपके पास कोई ईमेल आता है तो सबसे पहले वो इनबॉक्स में आता है,
इनबॉक्स में आने के बाद उसको चेक किया जाता है कि वो कोई स्पैम है या फिर जंक फाइल है। अगर वो स्पैम है तो उसको स्पैम फोल्डर में भेज दिया जाता है, अगर वो जंक फाइल होती है तो उसको जंक फोल्डर में भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, gmail.com, yahoo.com, yahoo.com.in या फिर ymail.com, rediff.com, rediffmail.com या फिर fastmail.fm इत्यादि, ये सभी क्या हैं? तो ये जो मैंने वेबसाइट्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं ये सब क्या हैं? तो ये सब क्या हैं? आपको जो है ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब क्या हो गए? ये आपके ईमेल सर्वर कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, ईमेल में वह कौन सा फंक्शन होता है जिसमें जब भी आप किसी को कोई ईमेल भेजते हैं तो प्रत्येक ईमेल के अंत में एक मैसेज अपने आप लिख दिया जाता है या फिर ऑटोमेटिकली वो वहां पर ऐड हो जाता है, जैसे कि आपका नाम या फिर आपकी कंपनी का नाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। आप कोई भी ईमेल भेजते हैं, कोई भी लेटर भेजते हैं, अगर आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में कोई सिग्नेचर ऐड कर देते हैं कि जब भी आप किसी को ईमेल भेजेंगे तो ये सिग्नेचर जो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो वो जो सिग्नेचर क्या होता है आपको बार बार वहां पर टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम या फिर आपके बारे में जो भी जानकारी उसमें लिखना चाहते हैं उस लेटर के लास्ट में उसके फुटर में, तो वो जानकारी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, वो होती है आपकी सिग्नेचर के अंदर। अगला प्रश्न है, यदि आपके पास किसी ने ईमेल भेजा है और आप उसी ईमेल को किसी और व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो आपके लिए सबसे सही काम क्या करना होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। आप उस ईमेल को फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड यानी कि जब भी व्हाट्सएप में आपने देखा होगा आपके पास कोई मैसेज आता है और आप उसको किसी और को भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी गैलरी में जाकर के फिर से उसको सेंड करते हैं? नहीं, आप उस मैसेज पर क्लिक करते हो और वहीं से उसको फॉरवर्ड कर देते हैं जिसको भी आपको उसे भेजना होता है। ठीक इसी तरह ईमेल में भी ये सुविधा होती है कि आपके पास कोई ईमेल आया है और आप उस ईमेल को किसी और को भेजना चाहते हो तो आप उस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। 22वां प्रश्न है, ईमेल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का पिता कहा जाता है। इसके अलावा जो आपके टीम बर्नर्सली हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब जो आप इंटरनेट चलाते हो उसकी खोज की थी, और जो आपकी HTML लैंग्वेज होती है जिसमें जो है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसकी खोज भी आपके टीम बर्नर्सली ने की थी। इसके अलावा जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो आपको ईमेल की सुविधा नहीं देती है? तो आप सभी जानते हैं कि जीमेल में भी ईमेल की सुविधा है, रेडिफ मेल भी है और yahoo.com में भी है, लेकिन जो गूगल है वो क्या है? वो एक तरह का सर्च इंजन है। इसके अलावा ये जो तीनों वेबसाइटें हैं ये आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगला प्रश्न है, आपके ईमेल के साथ कोई फाइल अटैचमेंट में है तो आप उस फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे? यानी कि आपके पास किसी ने ईमेल भेजा है और उसमें कोई फाइल है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, आप उस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल में, तो आप किस तरह से करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। आप उस फाइल पर जो अपने माउस के माध्यम से राइट क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव का, और सेव ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे। 25वां प्रश्न है, ईमेल के वास्तविक संदेश को क्या कहा जाता है? यानी कि जब भी आप ईमेल लिखते हैं सामने वाले के लिए तो कुछ भी आप उसके अंदर लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो जो मैसेज होता है वो क्या कहलाता है? उस मैसेज को हम कंटेंट कहते हैं, यानी कि उसके अंदर सामग्री क्या क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी, सब कुछ मिला करके आपका क्या कहलाता है? कंटेंट कहलाता है। 26वां प्रश्न है, MIME का पूरा नाम क्या है? तो MIME का जो पूरा नाम है वो है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।